नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति बहुत ही अलग तरह की चीज़ होती है। ये समझ लीजिए कि राजनीति में बहुत विचित्र विचित्र तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इसमें कोई किसी भी तरह से कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती, ना ही कुछ कोई अपने आप को किसी भी तरीके से गलत मानता है। इसमें कोई विचारधारा कहने के लिए तो होती सभी की, लेकिन कोई मायने नहीं रखती कब कौन किधर से कहाँ चला जाएगा। आपने कुछ समय पहले एक भजन सुना होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो भजन है ये कन्हैया मित्तल ने इसको गाया था और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। पूरे भारत में इसकी गूंज हर जगह सुनाई दे रही थी एक समय पे। तो अब इनको ये मान के चला जा रहा था कि ये सनातन के लिए काम करने वाले हैं और इनका जुड़ाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा लोग मान के चल रहे थे। और ये योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं और ये कह रहे हैं कि वो मेरे गुरु थे और गुरु रहेंगे। ये बात वो खुद बोल रहे हैं। दोस्तों, अब ये एक चुनावी मंच में आना चाहते हैं और ये एक पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पार्टी है कांग्रेस। सोचिए, ये एक तरह से कांग्रेस के विरोध में थे लेकिन अब ये कांग्रेस में ही शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि ये पंचकुला से टिकट चाहते थे और इनको टिकट ये चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इनको टिकट मिला नहीं तो इन्होंने कांग्रेस में जाने की तैयारी कर ली है। अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अब ये ज्वाइन करने वाले हैं टिकट के लिए। और ये मीडिया के सब सामने आए तो इन्होंने ये कहा कि मैंने कभी भी पूर्ण रूप से कभी भाजपा तो ज्वाइन करी नहीं थी, मैं सनातन के लिए कार्य कर रहा था, भाजपा अपने कार्यक्रमों में बुलाती थी, भजन गाने के लिए तो मैं जाता था। अब इनका ये कहना है, अब कह रहे हैं कि मैं सनातन का कार्य तो कहीं से भी कर सकता हूँ, तो मैं अब कांग्रेस पार्टी में जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर सनातन का कार्य करूँगा। दोस्तों, ये सब कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने निमंत्रण को अस्वीकार किया था जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी अयोध्या में, तो उस मंदिर की जब निमंत्रण दिए गए तो कांग्रेस ने, सोचिए, मना किया था कि हम इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। कोई किसी को अगर निमंत्रण मिला है, अगर नहीं जाना होगा तो वो नहीं जाएगा, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से आके बोलेगा नहीं कि हम इसको अस्वीकार करते हैं। और कन्हैया मित्तल राजनीति लालसा में अपने सीट के चक्कर में कांग्रेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये सोचिए किस तरह का छलावा है एक जनता के साथ। एक तरफ आप लोगों को इमोशंस के साथ खेलते हैं और फिर जाके कांग्रेस की तरफ आप शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी की कोई विचारधारा से नहीं है, राजनीति में सब चलता है, कोई इधर कभी उधर। अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फिर से वापस भी जेपी में आ जाएगा, कांग्रेस इनको टिकट ना दे तो, मतलब ऐसा है। तो इस तरह के लोग, मतलब इनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, लोग कितना महत्व इनको देंगे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके साथ ही एक और भी खबर आ रही है दोस्तों कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन में एक तलवार से लटकी थी कि नहीं होगा, कई आम आदमी पार्टी के नेता कह भी चुके थे कि अब हमें गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब शाम होते होते ये बात हो रही है कि शायद इन कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा और कांग्रेस संभवतः 6 सीटें आम आदमी पार्टी को देगी, जिसमें साउथ हरियाणा यानी कि फरीदाबाद गुड़गांव की सीट भी शामिल होगी, ये जाएगी आम आदमी पार्टी के खाते में। ऐसी अभी संभावना है, अभी गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। अब फाइनल आने के बाद पता लगेगा कि वाकई गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो दोस्तों रही बात हरियाणा की। उसके साथ ही अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। 5 तारीख को चुनाव होंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, वहाँ पर आज राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनकी एक जनसभा थी, ये वहाँ जनसभा को ऐलान कर रहे थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इन्होंने वहाँ से एक ऐलान किया POK के लोगों के लिए, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ के लोगों के लिए, कि यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं आप इसको देखिए और आपको लगता है कि यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं तो आप
भारत में आ जाइए और सम्मिलित हो जाइए, पूरी तरीके से यहाँ के लोगों के साथ आप आ जाइए। ये एक मंच से राजनाथ सिंह जी जो एक रक्षा मंत्री हैं देश के, वो ये इस बात को बोलते हैं, तो ये बात काफ़ी मायने रखती है। ये POK को इंडिया के साथ वैसे ही जोड़ने के लिए एक कदम भी आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि ये बोला गया है चुनावी जनसभा में, तो चुनाव में लोग कुछ भी बोल भी देते हैं, लेकिन ये एक संवैधानिक पद पे भी हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने संविधान की कसम खाई है और ये एक मंत्री हैं, कैबिनेट में हैं, तो इनकी बात का एक वजन भी होता है। तो दोस्तों ये बात रही जम्मू एंड कश्मीर से आज जो निकल कर आई है, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। अब दोस्तों कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।